महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आज महिला थाना एवं मानव तस्करी रोधी इकाई की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने रिबन काट कर किया। यह स्थापना शहर के पुलिस पेट्रोल पंप के पीछे आजाद थाना परिसर में की गई है। यहाँ केवल महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ही तैनाती की गई है, जिससे कि पीड़ित महिलाएं महिला पुलिस के सामने अपनी पीड़ा को खुलकर रख सके। साथ ही एक महिला होने के नाते महिला पुलिस उनकी पीड़ा को भलीभांति समझकर उनको उचित न्याय दिला सके। महिला थाने में एक निरीक्षक, 3 उपनिरीक्षक, 9 सहायक उपनिरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक एवं 12 आरक्षक के पदों का वितरण किया गया है। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला थाने एवं मानवरोधी इकाई की स्थापना विभिन्न जिलों में की है। गुना जिले का सौभाग्य है कि एक महिला थाना और मानवरोधी इकाई, मानव तस्करी रोधी इकाई गुना जिले को प्राप्त हुई है। महिला थाना स्वीकृत किया गया है गुना जिले के लिए और हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे DGP महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तारतम्य में गुना जिले में महिला थाना स्थापित किया जा रहा है, जो कि पुलिस पेट्रोल पंप के एजे के पीछे एजे के थाने के समीप जो बिल्डिंग पुराने DSP की हुआ करती थी, उसको अभी नवीनीकरण करके बनाया गया है। पश्चात में शासन द्वारा नई जमीन और नया थाना थाने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए भी स्वीकृति दी जाएगी, नया थाना बनाया जाएगा। अभी इस स्थान पर महिला थाना प्रारंभ किया गया है। महिला थाने की कमान निरीक्षक मनीषा राठौर को सौंपी गई है। गुना से रंपी खान की रिपोर्ट।